हे गाइस व्हाट्सअप, सो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द गुरुकुल में। द गुरुकुल में सो प्रॉब्लम्स ऑन रेसेस की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम लास्ट पार्ट कवर करेंगे, थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं। एंड इसके साथ हमारा इस टॉपिक का किस्सा ख़त्म ही हो जाएगा। ओके, सो हियर इज द 11th क्वेश्चन। इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स ए कैन गिव बी 20 पॉइंट एंड सी 28 पॉइंट्स, देन बी कैन गिव सी, तो बी सी को कितना पॉइंट देगा, कितने पॉइंट से हराएगा ये निकालना है। सो चलिए देखते कैसे करना है। सो गिवन इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट ए स्कोर्स, कंसिडर कर रहे कि ए स्कोर्स 100 पॉइंट्स, तो बी 20 पॉइंट कम यानी कि 80 पॉइंट स्कोर करेगा और सी 28 पॉइंट कम यानी कि 72 पॉइंट स्कोर करने वाला है। तो बी सी को कितना देगा ये निकालना है। तो व्हेन बी स्कोर्स 80 पॉइंट, ओके, तो सी स्कोर्स 72 पॉइंट्स गिवन है। अगर बी 100 पॉइंट स्कोर करेगा तो सी कितना स्कोर करने वाला है। ओके, तो ये है बी 80 तो सी 72, और बी 100 तो सी कितना ही निकालना है। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 100 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 80, सो विच इज़ 90। सो सी 90 पॉइंट स्कोर करेगा, तो 100 पॉइंट के गेम में बी 100 पॉइंट स्कोर करेगा और सी 90 पॉइंट स्कोर करेगा, तो बी सी को 10 पॉइंट से हरा देगा, विच इज़ ऑप्शन बी। सो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रन 7/4 टाइम्स एज फास्ट एज बी, इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 60 मीटर, हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी इन ऑर्डर दैट ए एंड बी रीच एट द सेम टाइम। ओके, तो गिवन है ए रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना है, 7:4 आ जाएगा। वेरी सिंपल सी बात है। और ए बी को यहाँ पर अगर ए है और बी को क्या कर रहा है, वो 60 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, 60 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। तो विनिंग पोस्ट कितना दूर होना चाहिए कि दोनों एक ही टाइम पर रेस खत्म कर दें, तो ये निकालना है। तो अब क्या है हमारे पास, दैट इज 3 मीटर्स आर गेन्ड बाय ए इन रेस ऑफ 7 मीटर। अगर 7 मीटर का रेस है तो ए बी के ऊपर 3 मीटर गेन कर रहा है, दैट्स इट। तो अगर ए ने क्या किया, बी को 60 मीटर का स्टार्ट दिया है और दोनों एक ही साथ ख़त्म कर रहे हैं, मीन्स ए को वो एक्स्ट्रा का 60 मीटर कवर करना पड़ेगा, तभी जाके वो एक साथ बी के साथ में रेस फिनिश करेगा। मीन्स ए को बी के ऊपर 60 मीटर गेन करना पड़ेगा, सो 60 मीटर्स आर गेन्ड बाय ए इन रेस ऑफ डैश, सो इन रेस ऑफ डैश मीटर्स। सो अब हमें ये कितना निकालना है, तो क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 60 आ जाएगा, 7 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 3 मीटर्स आ जाएगा, विच इज़ 140 मीटर। मीन्स 140 मीटर का रेस होना चाहिए सो दैट कि ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, सो विच इज ऑप्शन बी 140 मीटर्स। नाउ 13 क्वेश्चन। इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स इन, ओके, इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट ए कैन गिव बी 20 पॉइंट्स सी 28 पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स बी कैन गिव सी इन गेम ऑफ 100 पॉइंट्स ये निकालना है। ओके, तो सिंपल सी बात है कि ए स्कोर्स 100 वाइल बी स्कोर्स 100 माइनस 20 विच इज 80 एंड सी स्कोर्स 100 माइनस 20 इज 72 पॉइंट्स। मीन्स बी स्कोर्स 80 तो सी स्कोर 72, जब बी स्कोर 100 तो सी कितना स्कोर करेगा निकालना है। तो फिर से जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90 पॉइंट्स। मीन्स सी 90 पॉइंट स्कोर करेगा और बी 100, तो बी सी को 10 पॉइंट्स से हरा देगा, मीन्स बी गिव्स सी 10 पॉइंट्स। ओके, दिस इज द 14th क्वेश्चन। इन अ रेस ऑफ 500 मीटर, इन अ 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू कंटेस्टेंट ए एंड बी इज 3:4, ए हैज़ अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, देन ए विंस बाय, सिंपल सी बात है, 500 मीटर का रेस है और बी दोनों का रेशो दिया है 3:4, यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है, ऑल राइट, और दोनों के बीच में 140 मीटर का डिस्टेंस है, तो ए कितने मीटर से जीत जाएगा ये निकालना है। सो ओके, एक्सप्लेनेशन क्या है, टू रीच द विनिंग पोस्ट ए विल हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर माइनस 140, क्योंकि टोटल 500 मीटर है तो बी से 500 मीटर है लेकिन ए से 500 माइनस ये 140 माइनस कर दो, विच इज़ 360 मीटर है। मीन्स ए को सिर्फ 360 मीटर कवर करना है और बी को पूरा 500 कवर करना है। ओके, और दोनों के स्पीड का रेशियो दिया है 3:4, मीन्स ए का कंसिडर कर लो कि 3 मीटर पर सेकंड है तो बी का 4 मीटर पर सेकंड है। सो ए कवर्स 3 मीटर, बी कवर्स 4 मीटर स्पीड का रेशो है,
तो ए जब 360 मीटर कवर करेगा तो बी कितना कवर करेगा निकालना है, क्योंकि जब ए 360 मीटर कवर करेगा कर लेगा तो रेस खत्म हो जाएगी, ए जीत जाएगा, तो उस टाइम बी कितना डिस्टेंस कवर करा निकालना है। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 360 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 480 मीटर, मीन्स उस टाइम बी 480 मीटर कवर करेगा 500 मीटर में से, मतलब कि वो यहाँ तो कुछ तो आएगा 400 मीटर तक, तो बचा हुआ डिस्टेंस जो है ये बी के लिए 20 मीटर है, तो ए बी को 20 मीटर से हरा देगा। ओके, ए बी को 28 मीटर से हरा देगा। सो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इन अ 200 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 35 मीटर और 7 सेकंड, एज टाइम ओवर द कोर्स इज क्या है। 200 मीटर का रेस है, 200 मीटर का रेस है और ए बी को क्या करता है 35 मीटर से हरा देगा, मीन्स ए जब रेस फिनिश करेगा तो बी यहाँ पर होगा जो कि 35 मीटर है, या फिर 7 सेकंड, 7 बी के लिए 7 सेकंड का डिस्टेंस से बोल लो, ऐसे ही बोल लो। तो फिर ए कितने टाइम में रेस ख़त्म कर रहा है निकलना है। सो अब सिंपल सी बात है, अगर 35 मीटर से बी को हराएगा या फिर 7 सेकंड से, मीन्स बी को 7 सेकंड लग जाएंगे 35 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। ऑल राइट, तो बी को 200 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। सिंपल सी बात है, 40 सेकंड्स लग जाएगा, कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 40 सेकंड्स आ जाएगा। अब क्या क्यों ने बी के लिए टोटल 40 सेकंड टाइम लग जाएगा, ये तो हमें निकाल लिया है, लेकिन अब गिवन में क्या था कि ए बी को 7 सेकंड से हरा देगा, मींस ए बी से 7 सेकंड पहले ही रेस ख़त्म कर देगा, तो बी जब टाइम रेस ख़त्म करेगा तो 40 सेकंड हो गए, तो उसमें से 7 सेकंड माइनस कर दो, मीन्स 33 सेकंड में ए रेस ख़त्म कर देगा, उसके बाद 7 सेकंड से बी रेस ख़त्म कर देगा। ओके गाइस, यही यही समझने की बात है कि 7 सेकंड पहले ए ख़त्म कर रहा है। सो विच इज़ 33 सेकंड, ऑप्शन सी। सो ये रहते कुछ प्रॉब्लम्स ऑन रेसेस के क्वेश्चंस, एंड आई होप आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर भी हो जाएंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज या फिर कोई डाउट्स या फिर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वहाँ पर हमें पिंग कर दीजिएगा, हम आपको उसका जो भी सोल्यूशन होगा या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग में जो भी प्रॉब्लम आया होगा आपको हम समझा देंगे। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। एंड अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस। ओके, थैंक यू सो मच, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड अगर आप चाहते हैं कि हम किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वैसे हम पोलिंग तो करेंगे कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, अगर आपकी भी कोई इच्छा है कि तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम ज़रूर उस पर सोचेंगे। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।